बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां गणतंत्र दिवस पर जमकर हंगामा हुआ है। तो आज गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, ऐसे में अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे जमकर हंगामा हुआ है। AIMU छात्र और सुरक्षा कर्मियों में जमकर मारपीट की खबर सामने आ रही है। छात्रों ने VC को काले झंडे भी दिखाए हैं, जिसके बाद छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ से बता रहे हैं RNTV की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई जमकर हंगामा हुआ। तो आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है, पर ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे RNTV की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा देख सकते हैं, जहां किस तरीके से छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में यहां पे छात्र मौजूद है, पुलिस बल भी तैनात है, काफी ज्यादा भारी संख्या में यहां पुलिस बल तैनात है। पर इस खास दिन के अवसर पर AMU छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प हो गई। RNTV की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद दुबे फोन लाइन पे बने हुए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हंगामा नजर आ रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक कार्यक्रम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहा था, और उसमें खुद वाइस चांसलर तारिक मंसूर पहुंचे हुए थे। जैसे कार्यक्रम का स्पीच वाइस चांसलर की चल रही थी, उसी दौरान कई छात्र भारी तादाद में इकट्ठा होकर आ गए और वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और उन्हें काला झंडा दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे ही काला झंडा दिखा रहे थे, सुरक्षाकर्मी AMU के भारी तादाद में मौजूद थे, तत्काल कई छात्रों को उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया, पकड़ने के बाद पुलिस कस्टडी में कर दिया। जैसे ही जानकारी अन्य छात्रों को हुई, तो भारी तादाद में छात्र इकट्ठा होकर प्रॉक्टर ऑफिस पहुंच गए, जहाँ छात्र और AMU सुरक्षा के जो कर्मी है उनके खिलाफ साथ जमकर मारपीट हुई है, और अब हजारों की तादाद में छात्र प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जमकर पुलिस प्रशासन और वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि वाइस चांसलर तारिक मंसूर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें अपने पद से, और जब तक ये पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लगातार छात्र इसका विरोध करते रहेंगे। अब देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बाहर कैंपस के बाहर पुलिस फोर्स के अलावा RAF के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, और अब जो फिलहाल जो बवाल चल रहा है वो कैंपस के अंदर प्रॉक्टर ऑफिस के पास चल रहा है। छात्रों की सीधी मांग है कि जो आरोपी जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया, अलीगढ़ पुलिस तत्काल उन्हें थोड़ा, इसके अलावा जो वाइस चांसलर तारिक मंसूर है वो अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही छात्रों को आपको बता दूं, समान नागरिकता कानून को लेकर लगभग 45 दिन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हंगामा छात्र कर रहे हैं, छात्र क्या हंगामे के बीच अलीगढ़ पुलिस आरोपियों को छोड़ती या नहीं छोड़ती? जी पूजा, जी बिल्कुल प्रमोद, हम अपने दर्शकों को RNTV की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और देख रहे हैं साफ तौर से कि किस तरीके से छात्रों और पुलिस के बीच में जो हाथापाई हुई है, मुठभेड़ हुआ है। पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने कितने छात्रों को हिरासत में ले लिया? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, जैसे ही प्रॉक्टर टीम और छात्रों के बीच जो भिड़ंत हुई है, उसी दौरान कई छात्रों को प्रॉक्टर टीम ने हिरासत में ले लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि अगर कोई भी किसी भी छात्र या किसी की भी गिरफ्तारी होगी, तो सबसे पहले प्रॉक्टर टीम के पास वो आरोपी पहुंचेगा, उसके बाद बिना अनुमति प्रॉक्टर टीम के कोई किसी पुलिस कभी किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। और इसी के चलते पहले जो छात्र थे उनको हिरासत में प्रॉक्टर टीम ने लिया था, और उसके बाद फिर जो है अलीगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है 3 से 4 छात्र हैं जिनको पुलिस को सौंप दिया है। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए जिस तरीके से छात्रों का ये विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई उग्र रूप ना ले ले, अब ये देखना होगा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कैंपस में भले ही पुलिस प्रवेश नहीं करती हो, बावजूद इसके कैंपस के बाहर SSP खुद बैठे हुए हैं, SSP के अलावा और
PSC RAF के जवान भारी तादाद में तैनात कर दिए गए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले लंबे समय से संख्या में यहाँ पे छात्र तैनात है, पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या डिमांड कर रहे हैं वो? नागरिकता कानून को लेकर था, मगर अब जो छात्रों का विरोध समान नागरिकता कानून के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के अलावा जो रजिस्ट्रार है उन्हें तत्काल इस्तीफा दें, ये छात्रों की मांग है। और आज से छात्रों ने भूख हड़ताल भी स्टार्ट कर दिया। अब देखो देखना यह है कि कब तक ये छात्रों का आप किस तरीके से छात्र उग्र प्रदर्शन। जी बिल्कुल प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों और पुलिसकर्मियों को